हेलो एवरीवन क्या थे हो सब लोग उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर के सॉल्यूशन के बारे में अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे <coughs> साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो एक बार टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लोगे क्वेश्चन क्या है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन लीनियर कॉन्स्टेंट आर इतना हमें z का वैल्यू दिया है z का वैल्यू लिख देते हैं z का वैल्यू है हमारे पास पीएक्स प्लस है ना ये हमें दिया हुआ है क्या किसका वैल्यू तो ये Z का वैल्यू दिया है वेयर p और q नॉट इक्वल्स टू जीरो ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो ग्रेटर है ठीक है द कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो डेट द मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट अब जेड का वैल्यू मिनिमम हमें कहां देखने को मिलता है थ्री कॉमा जीरो और वन कॉमा वन पे है ना यानी कि किस किस पॉइंट पे एक पॉइंट हमें दिया हुआ है एक पॉइंट हमें दिया हुआ है कौन सा थ्री कॉमा जीरो क्या दिया थ्री कॉमा जीरो अगर इस बेसिस पे अगर आप जेड का वैल्यू निकालो तो कितना आएगा तो आप कर दोगे पहला वैल्यू एक्स का होता है दूसरा वैल्यू का तो पी गया? थ्री पी हमें देखने को मिला ठीक है उसी टाइप से आप दूसरा पॉइंट पुट कर दो एक बार है ना एक बार हमने और पॉइंट कर लिया क्या पॉइंट वन कॉमा वन है ना तो उस केस में क्या आ जाएगा जेड इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस पी इंटू वन प्लस क्यू इंटू वन तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा डेट इज ये आ जाएगा p प्लस क्यू कितना आ जाएगा पी प्लस क्यू तो एक, एक तरीके से हमारे पास z का वैल्यू आया है थ्री पी और एक बेसिस पे हमारे पास आया है z इक्वल टू पी प्लस क्यू अब दोनों वैल्यू z का ही है और दोनों ही वैल्यू पे हमारे पास z का कैसा वैल्यू मिल रहा है डेट इज हमें मिनिमम वैल्यू देखने को मिल रहा है तो इस बेसिस पे अगर आप करना चाहो तो आगे लिख सकते हो डेट इज नाउ नाउ अब आप क्या लिख सकते हो तो इस बेसिस पे आप लिख सकते हो कि थ्री पी जो होगा वो इक्वल होगा किसके p प्लस क्यू के है ना इसके इक्वल होगा अब यहां से सॉल्व कर दोगे तो थ्री पी माइनस पी है ना इसको टू पी भी डायरेक्ट लिख सकते थे बट ठीक है तो हमने क्या लिख दिया टू पी इक्वल्स टू क्यू है ना ये हमें वैल्यू देखने को मिला अगर ये वैल्यू है तो ठीक अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो पी इक्वल्स टू क्यू बाई टू है ना ये भी आप लिख सकते हो तो दोनों में से जो भी लिखा होगा वो हमारा राइट right आंसर देखने को मिलेगा तो यहां देखो पी इक्वल्स टू क्यू बाई टू लिखा हुआ है है ना P इक्वल्स टू क्यू बाई टू यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा बस Z का दो वैल्यू हमें दिया हुआ था दो वैल्यू पे मिनिमम लिखा हुआ था कि थ्री कॉमा जीरो और वन कॉमा वन पे क्या है मिनिमम वैल्यू शो करता है बस हमने क्या कर दिया दोनों ही वैल्यू पे Z का वैल्यू फाइंड आउट किया और Z का वैल्यू फाइंड आउट करने के साथ साथ हमने यहां पर क्या कर दिया यहां पर शो कर दिया कि दोनों वैल्यू इक्वल होंगे और उस बेसिस पे रिलेशन में लिया पी और क्यू के बीच का आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके एथ पार्ट के सॉल्यूशन के साथ अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे